कबीर। क्या कर रहा है? किसका फोन है? अबे हमने एक जोक मारा था, उसी पर डांटने के लिए फोन किया होगा उसने। हेलो केसर, हम जानते हैं कि हमने बहुत ही वाहियात जोक मारा है, पर हमें सच सच बताओ तुम्हें हंसी आई ना? जोक को छोड़ो कबीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। केसर सब ठीक है ना? उस अकड़ू ने फिर से कुछ किया तो नहीं कबीर? अरे मतलब, अच्छा सॉरी, मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने फिर से कोई रायता तो नहीं फैला दिया ना? एक्चुअली कबीर, सूरज ने हीतल काकी को राजगौर निवास में कदम रखने से भी मना कर दिया और अब वो अपने परिवार से पूरी तरह से कट गई है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया, मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने पहली बार कोई ढंग का काम किया। ये अच्छी खबर नहीं है कबीर, हीतल काकी जैसी भी है वो इस परिवार का हिस्सा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है पर हमें बता नहीं रही। माँ अंबे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है, पर मुझे पता लगाना है कबीर। सच कहें केसर, पहले हमें लगता था तुम्हारा कोई ना कोई ग्रह इतना भारी है कि कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पे आके लग जाती है, पर आज समझ में आया अगर तुम्हें कुल्हाड़ी ना मिले ना तो तुम बेचैन हो जाती हो, बोलती हो ए कुल्हाड़ी इधर है तू, हाँ ना मुझे अपना पाँव मारना है। शट अप कबीर, समझने की कोशिश करो, मेरा दिल कह रहा है कि हेतल काकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब दिल कह रहा है तो दिल की तो सुननी पड़ेगी ना केसर, सुन लो। एग्जैक्टली, पर इसी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि अब घर में तो मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। हेतल काकी ने जो भी किया उसकी वजह से सब उनसे बहुत नाराज है। एक सेकेंड कबीर, वो बापूजी को उनकी दवाइयां देने का समय हो गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? केसर मेरी, केसर फोन काट दिस। अरे वाह, मेरे नए रील्स पे कमेंट्स भी आ गए। हॉटनेस तभी काम आती है जब साथ में टैलेंट उसे सपोर्ट करे, पर तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है। This photo of a tree is proof enough कि टैलेंट पेड़ पर नहीं उगता। Who the hell is she? क्योंकि सास माँ बहु बेटी होती है। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।